लेकिन अब बड़ी खबर कभी मैं आगे रुक करना चाहूंगी, क्योंकि रूस के आधुनिक टैंक पर ड्रोन हमले में तबाही को लेकर एक खबर आई है। जहां जानिए कैसे $45 लाख के टैंक पर $500 के ड्रोन से अटैक को अंजाम दिया गया। T-90M टैंक पर कैमिकाज़ी ड्रोन से हमले को लेकर खबर आई है, जहां 3 ड्रोन ने T-90 का पीछा कर उसे टारगेट कर हिट किया। ये देखिए तस्वीर, बता दें डोनेस्क में रूसी टैंक को तबाह किया गया है। एक और बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले लुहांस्क में मिसाइल अटैक को लेकर खबर आई, जहां रोमेनिंकी में ऑयल डिपो पर प्रचंड हमला हुआ है और अमेरिका से मिले ATA CMS मिसाइल से हमले को दिया गया अंजाम। रूसी ऑयल डिपो पर क्लस्टर म्यूनिशन दागे गए हैं और हमले से आग की लपटों में ऑयल डिपो कैसे घिरा हुआ है, वही तस्वीर आपके सामने। अब बेलगोरोद पर यूक्रेन के बड़े हमले को लेकर भी खबर है, जहां सीसीटीवी में कैद धमाके की तस्वीरें आई सामने और धमाके से रिहायशी बिल्डिंग का एक हिस्सा कैसे गिरा, ये देखिए। दावा यूक्रेन की तरफ से क्या कि रिहायशी इलाके पर अटैक नहीं हुआ। यूक्रेन भले ही यह दावा कर रहा हो कि रिहायशी इलाके में अटैक नहीं हुआ, लेकिन अब धमाके से कैसे रिहायशी बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, ध्वस्त हो गया, उसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। और खारकीव पर हमले का यूक्रेन ने बदला लिया। एक और बड़ी खबर, रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन के प्रचंड हमले को लेकर खबर यह कि 24 घंटे में 135 बार यूक्रेन की शेलिंग हुई है और बेलगोरोद पर ही 25 ड्रोन से यूक्रेनी पलटवार। आपको बता दें हमले में कई इलाकों में भीषण तबाही की भी तस्वीरें आई हैं सामने। और धमाकों से कैसे गूंजा बेलगोरोद का इलाका, बड़ी खबर, रिहायशी इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन अटैक को लेकर खबर, जहां कास्यूत्युकोवा में ही रिहायशी इमारतों पर बमबारी हुई है और उसकी मिनिस्ट्री बिल्डिंग पर भी अटैक को लेकर दावा किया जा रहा है। आपको बता दें इस हमले में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। बेलगोरोद पर हमले को लेकर ही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि इसे यूक्रेनी बदला माना जा रहा है, जहां बेलगोरोद में 24 घंटे में 135 बार शेलिंग की गई है। यूक्रेन ने बेलगोरोद पर 24 घंटे में 25 ड्रोन अटैक्स को अंजाम दिया है। आपको बता दें कास्यूत्युकोवा में ही रिहायशी इलाकों पर बमबारी को लेकर किए जा रहे हैं दावे, जहां बेलगोरोद में रूस की मिनिस्ट्री बिल्डिंग पर भी अटैक को अंजाम दिया गया है। खारकीव पर रूसी हमलों के बीच यूक्रेन ने जिस तरीके से यह पलटवार किया है, बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब जानिए खारकीव में रूस के विध्वंसक हमले को लेकर किस तरीके से खबर आई सामने, जहां यूक्रेन के वैम्पायर MLRS को तबाह किया, 2 BM-21 ग्रैड MLRS भी खाक, जहां रूस की लेसन स्ट्राइक में वैम्पायर MLRS नष्ट होने का किया जा रहा है दावा और रूसी सेना लंबे वक्त से कर रही थी पीछा। बख्शी सर, अब जिस तरीके से इन अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है, दो लिहाज से यह सवाल करना चाहूंगी, एक ऑपरेशंस के लिहाज से, दूसरा अब फ्रांस और ब्रिटेन की सैन्य तैयारी उसको लेकर भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि यह साफ है कि ऐसे में हालात और ज्यादा एग्रीवेट होंगे, एस्केलेट होंगे, भले ही यूक्रेन खत्म हो चुका हो, पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुका हो। देखिए आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, मैं बताना चाहता हूं कि एंड गेम का भास हो गया है अमेरिका में, नेटो में। वो चाहते हैं कि किसी तरह पूरी हार दुनिया के सामने नाक कटने से बच जाए, किसी तरह से ये सिचुएशन को फ्रीज कर दिया जाए, जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच हुई थी, कि साहब कोई ना आप जीते ना हम, नहीं तो हार का बड़ा कड़वा इनके लिए प्याला होगा। खासकर बाइडेन साहब की इलेक्शन के साल में काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो वो धमकी दे रहे हैं कि साहब हम खुद लड़ाई में बूट्स ऑन द ग्राउंड डाल देंगे। मिलिट्री सिचुएशन ये है कि ब्रिटेन और फ्रांस की तैयारी अभी इतनी नहीं है कि वो रूस से डायरेक्ट यूक्रेन में लड़ सकें, अपने देश के आसपास नहीं, यूक्रेन 1500 किलोमीटर दूर है, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी क्या आपकी है, पोलैंड के थ्रू भी अगर आप आएंगे पोलैंड टारगेट हो सकता है अगर ये फुल स्केल वॉर एस्केलेट हुई। और मैं तो कह रहा हूँ कन्वेंशनल वेपन से ही रूस, जो भी फ्रेंच कंटिंजेंट्स आते हैं यूक्रेन में, उनको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इस्कंदर मिसाइल्स का आपने कहर देख लिया, पूरी पेट्रियट बैटरी को उड़ा दिया है। तो अगर 1500-2000 फ्रेंच सैनिक आते भी हैं तो वो बेचारे मारे जाएंगे बेमौत। राइट,
क्या हासिल होगा आपको, और जब वो मरने शुरू हुए तो उस वक्त एस्केलेशन और बढ़ने की वो आग भभकेगी, तो फिर क्या चाहते हैं ये लोग? क्या यूरोप पूरी दुनिया को न्यूक्लियर युद्ध में झोंकना चाहता है? बिल्कुल सही कह रहे सर। एक एस्केलेशन को लेकर खबर लाल सागर से भी है, एक बड़ी खबर लेना चाहती हूं बख्शी सर, क्योंकि लाल सागर में हुथी के विध्वंसक अटैक को लेकर खबर आई है, जहां आदन की खाड़ी से ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया है और अमेरिका से जुड़े जहाजों को किया गया है टारगेट। आपको बता दें यूएस सेंट्रल कमांड ने पलटवार किया, रेड सी में हुथी के 3 ड्रोन को तबाह करने का किया जा रहा है दावा। तो बड़ी खबर यही है कि रेड सी में जारी है हुती का आतंक और हुती लड़ाकों ने फिर ड्रोन हमले को दिया है अंजाम और 3 दिन में 5 कमर्शियल जहाजों पर अटैक को लेकर बड़ी खबर। आपको बता दें बॉब अलमंडेब और अदन की खाड़ी से हो रहे हैं हमले, जहां कमर्शियल जहाज में कोई नुकसान नहीं, हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से इसको लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि किस तरीके से हुती अभी भी कमर्शियल जहाजों पर लगातार अटैक्स को दे रहा है अंजाम। और दक्षिण इसराइल में हमास का बड़ा हमला, एक और खबर है, इश्कलून में हमास ने रॉकेट अटैक किया, हमास ने रिहायशी अपार्टमेंट को कैसे टारगेट किया ये तस्वीर आपके सामने। रॉकेट अटैक में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और रॉकेट हमले के बाद पूरे शहर में दहशत के माहौल की ये तस्वीर देखिए। अब उत्तरी इसराइल में विध्वंसक ड्रोन अटैक को लेकर भी खबर आई, जहां हिजबुल्ला ने इसराइल में ड्रोन हमला किया है और इसराइल के बेत हिलाल बेस पर ड्रोन विस्फोट की ये तस्वीर। ड्रोन अटैक रोकने में आयरन डोम नाकाम रहा, F-16 फाइटर जेट भी ड्रोन हिट करने में नाकाम। दीपक वोरा सर, जीडी बख्शी सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, आप बने रहे हमारे साथ।